Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर माय फेवरेट्स. तो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ड्राई शैम्पूज, द सीरम्स, द हीट प्रोटेक्टेंट्स. उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू द टूल्स दैट यू यूज व्हाइल स्टाइलिंग योर हेयर. अरे कहना क्या चाहते हो? आई नो बहुत राइम करती है, बट ठीक है. और फिर लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट हेयर स्टाइलिंग टूल्स दैट आई पर्सनली यूज ऑन अ डेली बेसिस. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव हियर इज दिस ऑलिव ऑयल. And जब से मैंने कलर कराया था आई वॉज लाइक एक्स्ट्रा कॉन्शियस ऑफ माई हेयर, बी इट इन टर्म्स ऑफ ऑयल्स, हीट प्रोटेक्टेंट्स या कुछ भी मान लो. तो दिस इज द सोलफ्लावर का कोल्ड प्रेस कैस्टर कैरियर ऑयल. द फक डिड आई से ऑलिव ऑयल? ये बढ़िया था गुरु. व्हाई वुड आई पुट ऑलिव ऑयल इन माई हेड? ठीक है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई. So this is Soulflower's cold pressed castor carrier oil which is pure and natural. And to be very honest, ये नायका पे मुझे बहुत कम प्राइस का मिल गया था एंड इसकी क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है. सो वॉट आई यूजली डू इज वेन एवर आई हैव टू टेक अ हेड बाथ, मैं उससे 2-3 घंटे पहले ऑयल अच्छे से अपने रूट्स में मसाज कर लेती हूँ. आई लीव इट टू बी देयर एंड देन आई रिंस ऑफ विद माई शैम्पू. So yeah, moving on to the next product, we have Pantene's Pro-V Oil Replacement. And ये मैं कितना ज़्यादा use कर चुकी हूँ मैं नहीं बता सकती, because I oil my hair like once a week, that's it, उससे ज़्यादा नहीं. तो whenever I feel like my hair is drying, मैं इसको लगा लेती हूँ and I am good to go. Product number 3 is this. This is Batiste's Instant Hair Refresh Dry Shampoo and this is in the fragrance or whatever you can call it, fruity and cheeky cherry. So basically there are times when I am shooting or I have to go for an office shoot or whatever, so kai baar main apna baal na nahi dho pati hu ya mummy bhi daantti hai, bolti hai aaj Tuesday mat dho, Saturday mat dho. Main dho leti hu par there are times I cannot, so I use this dry shampoo and it is pretty handy. All you have to do is spray it on your head aur acche se massage kar lo. Iska bas ek drawback hai ki ye thoda sa na white cast chhod deta hai baalon pe, to jab tak tum acche se massage nahi karoge wo reh jayega. Iska jo dusra shade hai that is in like brown color, you can also use that, but wo halka sa color chhodega brown, to wo you can check ki tumhe kaun sa suit kar raha hai. I personally recommend this one because ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है बट इट गिव्स गुड रिजल्ट्स और उसके बाद मेरे बाल 2 दिन तक चल जाते. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ प्रोडक्ट, आई हैव हियर वेला का प्रोफेशनल्स थर्मल इमेज. नाउ दिस इज अ हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, राइट, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने बाल स्ट्रेट कर रहे हो, कर्ल कर रहे हो, क्रिम कर रहे हो, कुछ भी हीट स्टाइलिंग टूल्स यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज अ हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, वरना आपके बाल मर जाएंगे, लिटरली मर जाएंगे. जैसे पत्ते झड़ जाते हैं ना एकदम, ऐसे हो जाएंगे आपके बाल. तो इसको छोटे छोटे सेक्शंस लेके अपने बालों के उन पे स्प्रे करो, इसे अच्छे से मसाज करो. इट विल टेक लाइक 5-7 मिनट्स बट ट्रस्ट मी, ये स्टेप बहुत असेंशियल है व्हेन यू आर स्टाइलिंग योर हेयर. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि स्टाइलिंग करने के बावजूद आपके बाल अच्छे बने रहें, तो आपको एक अच्छा हीट प्रोटेक्टेंट यूज करना पड़ेगा. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ प्रोडक्ट, दीज आर लाइक माई सेवियर्स. जब हम अकेले होते हैं, हम स्ट्रेट और कर्ल करने के लिए बार बार किसी को नहीं बुला सकते अपने बालों को, तो ऑब्वियसली दीज क्रॉक क्लिप्स कम वेरी हैंडी. आप अपने बालों को ट्विस्ट करो और इसे मस्त ऐसे लगा लो, ये अच्छे से सिक्योर कर देते हैं और आप फिर खुद से बहुत आराम से और बहुत प्यार से अपने बालों को स्ट्रेट, कर्ल, कुछ भी कर सकते हो. दीज आर फ्रॉम वेगा और मैं लिंक में सब कुछ डाल दूंगी जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दीज आर माई फेवरेट्स. ये मैंने मिनीसो से खरीदे थे एंड दीज आर हेयर रोलर्स. ओके, तो हेयर रोलर्स आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो. इधर आप अपने हल्के से, जो बाल हल्के गीले होते हैं, उसमें आप इसको लगा के ऐसे सिक्योर कर दो और उसको छोड़ दो काफ़ी घंटों के लिए, तो आपके बाल कर्ल हो जाएंगे. या फिर आप अपने बालों में ये रोलर्स को लगाओ, इनको सिक्योर कर दो और एक ब्लो ड्रायर की मदद से अपने बालों को ब्लो ड्राई कर लो, लाइक हीट दो उन्हें अच्छे से, तो भी ये काफ़ी अच्छे सेट हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी नाइस. ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो मैं देखती हूँ कुछ ऐसा ही मुझे मिलेगा तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस
ये आपने बहुत सारे सलोन्स में, ब्यूटी पार्लर में, दुनिया भर की जगह में देखा होगा. दिस इज बेसिकली अ ब्लो ड्राइंग ब्रश. ये राउंड होता है और इसके ब्रिसल्स जो होते हैं ना, दे आर लाइक दे डोंट मेल्ट ऑफ व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हीट. लाइक कुछ प्लास्टिक के नहीं बने होते, दिस इज सम फाइबर, आई डोंट नो व्हाट इट इज. सो ये वाला इज फ्रॉम एलन ट्रूमैन. एलन ट्रूमैन, आई डोंट नो, आई लव दिस ब्रांड. इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जितने भी इनके हीट स्टाइलिंग टूल्स हैं या जो रैंडम चीज़ें ये लोग देते हैं, ट्रस्ट मी, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना, लाइक आप जो पे कर रहे हो और आपको जो मिल रहा है, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक. सो दिस वन आई यूज फॉर ब्लो ड्राइंग माई हेयर. एंड यू नो हाउ दे डू इट, लाइक ऐसे करके पूरा ऐसे घुमा घुमा के मस्त ब्लो ड्राई करते हैं. तो इससे मैं कर्ल्स भी दे सकती हूँ, अपने बालों को स्ट्रेट भी कर सकती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट इन केस यू डो नॉट हैव एनी कर्लर और अ स्ट्रेटनर. सिर्फ एक ड्रायर खरीद लो और एक ये ब्रश, यू आर गुड टू गो. ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा बट फिर आप बहुत प्यार से सब चीज कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज ऑब्वियसली अ हेयर ड्रायर एंड दिस इज वॉल्स मैक्स प्रो 1600 वॉट का हेयर ड्रायर. ये काफी ज्यादा अच्छा हेयर ड्रायर है फॉर द प्राइस दैट यू पे. इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज लाइक इन अ मीडियोकर रेंज. और इसके साथ ना दो अटैचमेंट्स आती हैं. वन इज दिस, दिस इज फॉर ब्लो ड्राइंग योर हेयर, जो मैंने आपको बोला कि आप ब्रश में दिस से स्ट्रेट या कर्ल कर सकते हो. एंड दिस इज अ गेम चेंजर गाइस, दिस इज अ गेम चेंजर. आई लव दिस अटैचमेंट मोर देन आई लव एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव राइट हियर. दिस इज अ डिफ्यूजर, राइट? तो आप क्या करते हो, आप इसे अपने ड्रायर पे कनेक्ट करते हो और जब आपके बाल वेट होते हैं, यू जस्ट कॉम्ब इट ऑफ और उसके बाद स्क्रंच करके नीचे से ऐसे उसे डिफ्यूज कर देते हो. लाइक पुराने जमाने में नहीं होता था वो खुशबू देने के लिए, वो अगरबत्ती वगैरह रानी महारानियों के बालों के नीचे घुमाते थे, ऐसे ही इस डिफ्यूजर को घुमाओ, आपके बाल हल्के से वेवी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज वाई आई बॉट दिस हेयर ड्रायर. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट फॉर टूडे, दिस इज समथिंग जो आपने आलिया भट्ट के कितने ही ऐड देख लिए होंगे. इसके दिस इज फिलिप्स का केरा शाइन ब्रश, जो 5 मिनट में बाल स्ट्रेट करने का दावा करता है एंड ट्रस्ट मी स्ट्रेट कर भी देता है. आई एम नॉट इवन किडिंग, जब भी व्हेन आई एम इन अ हरी, लाइक आई डू नॉट वॉन्ट टू यूज अ फ्लैट आयरन, आई एम नॉट अ फ्लैट आयरन पर्सन, ट्रस्ट मी. लाइक आई हैव दिस फेस विच इज लाइक राउंड और मेरे फेस पे पोकर स्ट्रेट बाल, दे सूट मी बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक देम. तो मैं इसे यूज करती हूँ, इससे मेरे बाल काफी खिले खिले हो जाते हैं और बिना किसी मेहनत के बहुत प्यार से और बहुत आराम से मेरे बाल काफी हद तक स्टाइल हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी नाइस. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो, तड़ा, दिस इज अगेन एलन ट्रूमैन्स हेयर कर्लर. एंड ये मेरी सबसे एक्सपेंसिव, जिसे कहते हैं कि मैंने पैसे जोड़ जोड़ के इसको खरीदा है, ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव हेयर प्रोडक्ट है विच आई एम प्राउड टू बाय. आई हैव सीन रिव्यूज जहाँ पे लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट वर्थ इट, इसमें वो ऐसे अटैचमेंट नहीं है जिससे तुम्हारे बाल अंदर ऐसे पकड़े रहते हैं. प्रोफेशनल्स इसी टाइप के हेयर कलर्स यूज करते हैं एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट टू यूज. आपको जब भी इसे यूज कर रहे हो, इसे अपने फेस से ऐसे दूर रखना है एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कर्ल योर हेयर, राइट? तो आप एक बार हैंडी हो जाओ इसके. आप क्या कर सकते हो इन केस यू आर वरीड कि आपके हाथ या कुछ जल नहीं जाए, एक ग्लव खरीद लो, जो हीट प्रोटेक्टेंट वाले ग्लव होते हैं, जो भी होते हैं वो, तो वो पहन के और फिर ट्राई करो. मैं एक भी बार नहीं जल्दी हूँ, टच वुड, मैंने तो कई बार कर्ल किया है, मैं एक भी बार नहीं जल्दी हूँ. एंड इसके जो वेव्स हैं, ओ माई गॉड, लाइक आप यहाँ पे अगर कर्ल करते हो यू विल गेट वेरी बिग वेव्स. यहाँ पे अगर आप सिर्फ कर्ल करते हो, आपको वो हल्का सा वो कॉर्नर नॉट इफेक्ट होता है ना, बट थोड़ा सा थिक वो आपको मिलता है. अगर आप इसको थ्रू आउट ऐसे कर्ल करते हो तो आपको मोटे से पतली, मतलब समझ रहे हो ये क्या है, ये मतलब एक में वो होता है ना 12 in 1, 13 in 1, ये वो वाला प्रोडक्ट है. सो दिस इज समथिंग विच इज माई पर्सनल फेवरेट वेन इट कम्स टू हेयर कलर्स, क्योंकि मुझे वो ऐसे क्लैम्प वाले हेयर कलर्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते ना, मैंने कभी यूज करे, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ. सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक बायो में है, वहां जाके चेकआउट करो, खरीद लो. इससे बेटर कोई प्रोडक्ट तुम्हें पता है या इसके अलावा भी कुछ पता है दैट यू थिंक आई कैन यूज और रिव्यू, तो वो मुझे कॉमेंट करके बता दो फटाफट से. एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. Till then, bye-bye.